गुड मॉर्निंग क्लास एलके जी, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डू वर्क वेरी वेल। बेटा, अभी तक जिन बच्चों ने शीट्स अभी तक सबमिट नहीं किया थर्ड यूनिट की, प्लीज़ आकर जमा करवा दीजिए पेरेंट्स जल्दी से जल्दी, ताकि पीटीएम के लिए हम उनको रेडी कर सके तैयार करके। डन, ओके। सो अगेन, दिस इज द पोएम एक्टिविटी। आज की पोएम एक्टिविटी में फिर आपको भेज रही हूँ। तो आज हमारी पोएम का जो टॉपिक है वो है ये, दिस इज योर राइम बुक एंड दिस इज द पोएम कौवा। ओके, आज हम कौवा की पोएम पढ़ेंगे और अनदर पोएम इन इंग्लिश, हॉट क्रॉस बन। ओके, लेट्स स्टार्ट। कौवा देखा है ना सबने, काले रंग का होता है। और कौवा कैसे बोलता है? काव काव काव, ऐसे बोलता है ना कौवा। और कौवे की सबने स्टोरी भी सुनी है, सुनी है सबने स्टोरी, जिसमें कौवा प्यासा होता है। फिर क्या करता है, उसे जब प्यास लगती है तो वो घड़े में पानी देखता है, वो बहुत नीचे होता है, फिर उसके अंदर वो कंकड़ डालता है, अपनी बुद्धि से, उसे समझ से उसमें कंकड़ डालता है। फिर जब पानी ऊपर आता है तो उसको पीकर अपनी प्यास बुझा लेता है ना। सो यू हैव रेड दिस स्टोरी फॉर मैनी टाइम्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द पोएम। चलिए। कौवा हूँ मैं, कौवा हूँ, काले रंग का होता हूँ, पंख मेरे काले हैं, पर बड़े मतवाले हैं, पेड़ों पर मैं रहता हूँ, रोटी 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 छोटी खाता हूँ, काँव काँव मैं करता हूँ। चलिए फिर दोबारा से। कौवा हूँ मैं, कौवा हूँ, काले रंग का होता हूँ, पंख मेरे काले हैं, पर बड़े मतवाले हैं, पेड़ों पर मैं रहता हूँ, रोटी छोटी खाता हूँ, काँव काँव मैं करता हूँ। सो दिस इज द हिंदी पोएम, ये आपकी हिंदी पोएम है। और अब हम करेंगे इंग्लिश पोएम। ओके, दिस इज अ न्यू पोएम, हॉट क्रॉस बन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हॉट क्रॉस बन, वन ए पैनी, टू ए पैनी, हॉट क्रॉस बन, हॉट क्रॉस बन। If you have no daughter, give them to your son. One a penny, two a penny, hot cross bun, hot cross bun. चलिए फिर से करें। Hot cross bun, hot cross bun. One a penny, two a penny, hot cross bun, hot cross bun. If you have no daughter, give them to your son. One a penny, two a penny, hot cross bun, hot cross bun. Thank you. सब बच्चे इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे पोयम को, ठीक है? Thank you.